कैसे हैं आप सब लोग। ये मंथली रीडिंग होने वाली है आज। आज मेरे चैनल पे हम कैप्रिकॉर्न की यानी कि मकर राशि वालों के लिए रीडिंग करने वाले हैं, जो कि शायद लेट हो चुकी है। एनीवेज गाइस, मैं लास्ट में कर रही हूँ, मैं थोड़ा भूल गई थी। चलिए कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एनर्जीज हैं आज के लिए तो हम देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं, डिवाइन उनको क्या कहना चाहती है, क्या मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं। तो गाइस, जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए। चलिए गाइस, मकर राशि वालों के लिए मार्च में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या यूनिवर्स उनको मैसेज देना चाहती है वो हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट 10 डेज के लिए कार्ड निकालते हैं। ओके, द हेरोपेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, तो यार 10 डेज में मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइज, आप में से कुछ लोगों का किसी से शादी हो सकती है। यहाँ पे हस्बैंड का कार्ड होता है, हेरोमेंट का, तो आपकी कुछ कुछ लोगों की मंगनी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोग शादी के बंधन में बन सकते हैं। यहाँ पे दो दो कार्ड बता रहे हैं शादी से रिलेटेड हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई फंक्शन या शादी अटेंड करें। मार्च के 10 डेज में आप बहुत ज़्यादा एक तो सेलिब्रेशन फील करेंगे अपनी लाइफ को लेकर, या किसी सेलिब्रेशन को इंजॉय करेंगे। आपके घर में पार्टी हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, या आप किसी शादी के माहौल में जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने घर में किसी शादी को या किसी का मैनेजमेंट कर रहे हो, या फिर कोई आपकी प्रपोजल आपके पास आ सकता है। द हेरोफेंट कहता है कि आपके पास एक स्टेबल या सॉलिड कमिटमेंट की कोई देने वाला है आपको। तो मकर राशि वालों के लिए मार्च के 10 डेज में कोई ना कोई कमिटमेंट आ सकता है, या फिर आप कोई सेलिब्रेशन अटेंड कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप फिर भी कुछ घबराए हुए हैं, आपको लगता है कि लोग आप पे विश्वास नहीं करें, आप अविश्वास अपने आप पे जता रहे हैं, यानी कि आप जो कर सकते हैं उसके लिए आप पीछे हट रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, अपने आप को सरेंडर करके गॉड पे सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं, जबकि आपके बस की है कि आप कुछ कर सकते हैं। अगर जॉब करियर को देखें तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, यानी कि मेरे जो व्यूअर हैं, यानी मकर राशि वालों के जो भी देख रहे हैं, वो या तो अथॉरिटी पोजीशन पे हैं, या फिर ऐसा उनके पास पोस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। यानी कि जो भी आपका काम है बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बन के आपको करना पड़ता है, और उसके लिए आप पे जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। ये कार्ड कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बनना पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो लाइबिलिटीज़ है उसको बहुत ही स्किलफुली निभाना पड़ता है आपको। जो आपका काम है उसमें 100% देना पड़ता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अगेन आपके पास कोई कमिटमेंट या शादी का प्रस्ताव आपके पास आ सकता है, या फिर आप कोई शादी अटेंड कर सकते हैं, सेलिब्रेट अपने घर, पार्टी फंक्शन कर सकते हैं अपने घर में, लेकिन कुछ भी है, या फिर पार्टनरशिप में कुछ जॉब या पार्टनरशिप में आपको कोई बिजनेस या करियर का ऑफर आ सकता है। आपके साथ कोई पार्टनरशिप में कोई फाइनेंस को आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, आपके पास ये ऑफर जरूर आएगा, लेकिन आप अपने आप को गार्ड करके रखेंगे। यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी या कोई पार्टनरशिप का आपको ऑफर देगा, तो उसमें आप थोड़ा घबराएंगे, भरोसा नहीं कर पाएंगे, अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, या फिर दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, ऐसे मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। चलिए मिडिल 10 डेज की एनर्जी देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। फिर से हमें मिडिल 10 डेज की एनर्जी दीजिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया गाइस, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल गाइस, ये जो कार्ड है बहुत, अगर आप बिजनेस करियर को देखें तो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, यानी कि जिसने भी आपको ऑफर दिया है, कोई ऑफर आपके पास जरूर आने वाला है, चाहे वो पार्टनरशिप के रूप में कोई नया बिजनेस हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस लाएगी, आपकी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी लाएगी। तो इसलिए उस जो भी आपके पास अवसर आता है, या जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, जो भी पार्टनरशिप में ही हो लेकिन अगर बिजनेस का ऑफर आता है, तो ज़रूर कर लीजिए उसको, आपको काम को लेना चाहिए, या जॉब हो तो जॉब को लेना चाहिए, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है। एस ऑफ पेंटिकल्स एक सन कार्ड होता है माइनर आर्कानों का, तो सन कार्ड जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, ओवरऑल पॉजिटिविटी आती है। तो जो भी आपके पास ऑफर है, जो भी आने वाला है, उसको आप ले लीजिए।
किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं, यानी कि जो भी जॉब, बिजनेस या कोई भी ऐसे अथॉरिटी पोजीशन या पोस्ट पे हैं, वो काम आपके मन से जुड़ा हुआ है और आप उसको बिल्कुल 100% देके कर रहे हैं, और ये करना भी चाहिए आपको। उसमें आपको लगेगा जो भी आप नया काम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी फीलिंग से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बहुत है उसमें। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें क्रिएटिविटी का काम कर होगा, जैसे कोई आप पेंटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, मतलब आपका जो क्रिएटिव दिमाग है वो उसमें ज्यादा लगेगा और आपके मन से, मन को पसंद होगा जो भी आप करते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का अगेन कार्ड कहता है नई शुरुआत तो आपकी होगी, लेकिन आप उसमें जो अपने मन का जो डर है, जो भरोसा आप दिलाना चाहते हैं, वो क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। अगर दूसरी तरफ से रिलेशनशिप को देखें इस कार्ड को, तो आपके पास कोई ऑफर आ सकता है, अगेन जैसे मैंने कहा कि शादी के ऑफर आपके पास आएंगे, या फिर किसी पर्सन का ऑफर आएगा, कोई कमिटमेंट देगा आपको, या किसी से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, तो वो कमिटमेंट जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है और लक को दर्शाता है। अगर आपका कोई पार्टनर, अगर आपको इस वक्त अगर आपको कोई ऑफर मिलता है, तो वो जो पार्टनर होगा वो आपके लिए बहुत लकी साबित होगा, और उस पार्टनर से आपको बहुत प्यार फील होगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यही मेरा लाइफ पार्टनर है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि जो भी आपको कंफ्यूजन होगा ना रिलेशनशिप में, वो आप उसको दूर कर देंगे, क्योंकि आपका पार्टनर खुद चला के आपको क्लियरिटी देगा कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मतलब सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है गाइस। अब नेक्स्ट नेक्स्ट 10 डेज के बारे में देख लेते हैं। लास्ट 10 डेज कैसे रहेंगे कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स। वाओ गाइस, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी आपका जो काम शुरू होने वाला है, जैसे कि मैंने बताया एक ऑफर आपके पास आने वाला है काम को लेके या बिजनेस को लेके, तो बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी वो एक ऐसी गुड न्यूज़ आपके पास आएगी जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपके पास जो कम्युनिकेशन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके जीवन में उसकी बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप्स होंगे, मतलब जो जो आप स्टेप्स लेंगे वो बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, जो कम्युनिकेशन आपके पास आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा आपकी लाइफ में। और द एम्परर का कार्ड कहता है कि आप कंट्रोलिंग स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि एम्परर राजाओं का राजा बन जाएंगे, यानी कि आप जो भी काम ये शुरू करेंगे उसमें आपको इतनी सक्सेस मिलेगी, आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, आप उसको 100% देंगे अपना, और एक अथॉरिटी पोजिशन जो आपकी है वो बनी रहेगी, और आप उसमें उस काम को करने में सक्सेसफुल रहेंगे, कहीं ना कहीं आपकी आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें होंगी, आप चाहें तो उसको कैसे भी करें, ये आपकी आपकी डिसीजन आपके खुद के होंगे, ये बात मुझे यहाँ पे दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स का अगेन कार्ड कहता है कि जो आपके पास एक और ऑफर आएगा, या फिर वही ऑफर वापस आएगा जिसके आप इच्छा करते थे, मतलब जो अब तक आप चाहते थे वो ऑफर आपके पास होगा, या फिर ये जो ऑफर है वो वही ऑफर है जो आपका मन मन से जो आप चाहते थे, ये बात शायद आपको बाद में मालूम चलेगी, लेकिन जो ऑफर आपके पास आएगा वो वही ऑफर होगा जिसके आप बहुत दिनों से आशा कर रहे थे। तो ये कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आपका नई शुरुआत है, जो भी जॉब है या बिजनेस है, पार्टनरशिप में कोई है चीज़, तो उसके लिए जो भी डर है आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे और एक्शन के मूड में रहेंगे, आप कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग पावर में बन जाएंगे आप। अगर रिलेशनशिप को देखें तो जो पार्टनर है उससे आपको बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि मार्च के लास्ट 10 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन वाली होंगी, यानी कि आप जो अपने पार्टनर से बातचीत करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और कहीं ना कहीं ये बातचीत कहीं आपको डेट के लिए कह सकते हैं आपके पार्टनर, या आप उनको डेट पे ले जाना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करने की इच्छा होगी आपकी, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा इंसान है, इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, यानी कि अपने जीवन में लाने के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, ऐसी प्लानिंग करेंगे जिससे आपके जीवन में वो बनी रहे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप उनको एक ऑफर देने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, यानी कि आगे बढ़ने के लिए आप एक स्टेप उठा लेंगे। तो ये थी रीडिंग गाइस मीन राशि वालों, यानी कि बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं गाइस। ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो जो भी अगेन बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आए गाइस, एक भी कार्ड आपका ऐसा नहीं है जो कि नेगेटिव हो। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से कहता है कि आपकी लाइफ में एक स्थिरता जरूर आने वाली है, और ये आपकी क्वीन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी क्वीन आपके लाइफ में आने वाली है वो आपकी लाइफ को एक स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देगी आपको, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियाँ लाएगी। तो ये थी रीडिंग आप मीन राशि वालों के लिए। कुछ भी रेजोनेट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।